नमस्कार न्यूज ट्वेंटी बिहार की आवाज में आपका स्वागत है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है जहां मंगरा थाना क्षेत्र के ताजपुर महुआ मुख्य मार्ग सिरसिया पवार हाउस के पास बाइक सवार हथियार बंद बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया तथा उसकी बाइक छीन ली और फरार हो गए गोली चलने की आवाज सुन घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तत्काल ताजपुर अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद पटना टी एम एक रेफर कर दिया गया अपराधियों की संख्या तीन बताई जा रही है जो एक ही बाइक पर सवार होकर आए थे घटना सोमवार की देर संध्या करीब सात बजे की बताई जा रही है वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मंगरा थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है घायल युवक की पहचान पुस्सा थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव निवासी लाल बाबूरा के उन्नीस वर्षीय पुत्र रविशंकर कुमार के रूप में की गई है घटना के संबंध में बताया जाता है कि इस गोलीबारी की घटना में घायल युवक ताजपुर थाना क्षेत्र स्थित अपने संबंधी के यहाँ गया हुआ था जहाँ से घर लौटने के क्रम में ताजपुर महुआ पथ पर सिरसिया पुल के पास बाइक सवार बदमाशों ने पीड़ित युवक के बाइक को ओवरटेक करके रोका तथा बाइक छीनने लगा जिसका विरोध पीड़ित युवक ने किया जिसके बांध बदमाशों ने उसे गोली मार दी तथा बाइक छीन भाग निकले जिसके बाद घायल युवक को स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना टी एम रेफर कर दिया गया ज्ञात हो कि इन दिनों ताजपुर तथा बंगरा थाना क्षेत्र के बीच में बदमाशों का बोलबाला हो गया है इसका मुख्य कारण है युवाओं का रास्ते से भटक जाना सूत्रों का बताना है की ताजपुर में एक सरकारी मध्य विद्यालय परिसर में ब्राउन शुगर का सेवन करने वाले असामाजिक तत्वों की फौज योजना संध्या छह बजे के बाद जमा होने लगती है जो देर रात तक रहते हैं और संभव है कि यही लोग इस तरह की घटना को अंजाम भी देते होंगे अभी तक के लिए बस इतना ही नमस्कार बाबू जी के नाम लाल बाबू राय गाड़ी नंबर याद है या था? तो के अच्छा तुम नाम की बेलो तुम नाम की बेलो तो तो रविशंकर कुमार के तो ठीक है तो ताजपुर के बंगरा थाना के राजधानी रोड सिरसिया के पास शाम में मोटरसाइकिल छीनने के क्रम में मोटरसाइकिल वाले के विरोध के बाद अपराधियों द्वारा गोली चला दिया गया जिससे मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए हल्ला होने पर लोग जुटे गोली लगने वाले की पहचान पूसा के गंगापुर निवासी लाल बाबू जी के पुत्र रविशंकर के रूप में की गई है इससे पहले भी ताजपुर में लगातार छिंताई अपराध की घटनाएं हो रही है पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है भागपा माले मोटरसाइकिल लूट एवं गोली मारने की घटना की निंदा करते हुए अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी एवं एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की है अगर इसी तरह से घटना जारी रहा तो भाकपा माले इसे लेकर आंदोलन करेगी